फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों, उनमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दोस्तों, इंट्राडे यानी कल के लिए मैं 4 स्टॉक्स लेकर आया हूं। और थर्ड जो टॉपिक होगा दोस्तों, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हर वीकेंड को मैं स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स प्रोवाइड करवाता हूं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, उनका क्या स्टेटस है, क्या अभी भी उनमें एंट्री ले सकते हैं, या क्या टारगेट होने वाले जो ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं उनके क्या टारगेट होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक दोस्तों, चार्टिंग स्कैनर जो मैंने बताया सेल्फ ट्रेडिंग टूल, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ स्नीपर अटैक। ये दोस्तों इंट्राडे के लिए होता है, वॉच लिस्ट मेकर होता है, यानी कि नाइट को इसको रन करना। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा वीडियो अभी नाइट को अराउंड 10 o'clock बज रहा, अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं इसको आपके सामने यहाँ पे रन करके बताऊंगा। उसमें हम लोग लॉजिक स्टॉप लॉस सारी बातें डिस्कशन करेंगे। लॉजिक दोस्तों, लॉजिक नंबर 1 दोस्तों, जो स्टॉक्स होते हैं अपने एक से दो दिन तक अगर किसी छोटे से रेंज बाउंड यानी कि 2% के अंदर की रेंज बाउंड के अंदर वो ट्रेड कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट डे का जो हाई और लो दोनों अंदर होने हैं, एंगल्स होना चाहिए कल के वन डे एगो के कैंडल के। और तीसरी कंडीशन दोस्तों, मैंने बताया कि भाई इसमें जो ब्रेकआउट होता है वो या ब्रेकडाउन होता है, तो उस समय हम लोग इसमें पोजीशन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट चलते हैं हमारे स्कैनर की तरफ। जाने से पहले दोस्तों, हम थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल को समझ लें दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है दोस्तों, इन जनरल मैंने अभी अभी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किए दोस्तों। तो ऑप्शन सेलिंग में मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने निफ्टी में मैंने एक मंथली स्ट्रेटजी लेकर रखी है दोस्तों, यहाँ पर जिसकी रेंज है भाई, यहाँ पर रेंज बता दूँ तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, 24,500 दोस्तों। जब ये स्ट्रेटजी मैंने ली 24,500 क्या सोच कर ली, मैं आपको बता देता हूँ। 24,000 पर अगर मैं जाता हूँ तो ये दिख रहा है दोस्तों, 24,000 पर, तो मार्केट अगर दोस्तों यहाँ पर 24,000 पे जाता भी तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मार्केट के लिए डेली स्पीडली रैपिड मूवमेंट दिखा रहा है दोस्तों, बैक टू बैक कब थमेगा। कुछ लोग दोस्तों एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, स्ट्रेटजी का नाम है और कितना ही गिरेगा, ये नई स्ट्रेटजी मार्केट में है दोस्तों, घटिया स्ट्रेटजी, सबसे घटिया दोस्तों, कभी से विश्वास मत करना। और कितना दोस्तों, 45 एंगल से भाग रहा है, पता है 45 एंगल से कहाँ गया एंगल बनाने वाला, वो ये प्रोजेक्शन पता नहीं कहाँ होगा, ठीक है यही है क्या, नहीं ये नहीं है, ठीक है छोड़ डिलीट, फिर कभी देखेंगे फ्री होंगे जब। 45 एंगल से भाग रहा है दोस्तों, लोग बोलते हैं और कितनी भागे दोस्तों, डेली भागेगा। मैं बोलता हूँ दोस्तों, जब तक ये 24,000 और नीचे 23,000 का इसने स्ट्रेंगल बनाया था, एक बार मैंने आप लोगों को दिखा था, 24,000 नीचे का तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ऊपर दोस्तों यहाँ 24,000 का कॉल राइटर बैठे हुए हैं, यानी 24,000 कहाँ पर आता है, इस मोमेंट पर आता है, इस मोमेंट पर आएगा तो दोस्तों मैं भी फिर यहाँ पे मेरे को भी धक होगा। अभी तक तो दोस्तों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा मुझे लॉस में जरूर दिखा रहा है, मगर आई नो एंड ऑफ द मंथ मेरे को आराम से, मेरे डेढ़ लाख कुछ इन्वेस्ट किया था, अभी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, 1.5 लाख के इन्वेस्ट मेरे को आराम से यहाँ पे 11-12 हज़ार के आसपास ईजिली स्मूथ मनी, कहीं भी मार्केट भागे भाई 24,500 तक की रेंज बनाई है मैंने यहाँ पर। तो एनीवेज हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे दोस्तों, यहाँ पर मैं यही बोलने वाला था दोस्तों, बिल्कुल ये वाली स्ट्रेज मत अपनाना कि और कितना ही भागेगा, ठीक है और ही भाग सकता, हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये यहाँ पे आके इसको टच करता है दोस्तों, यहाँ पे जबरदस्त हमको एक पुट शोर शॉर्ट काइंड ऑफ एक अच्छी खासी हमको स्ट्रेटजी बनती दोस्तों, मैं खुद यहाँ पे पुट खरीदने वाला हूँ, लपक के जबरदस्त पुट की बाइंग करने वाला, हालांकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं कोशिश करूँगा कॉल सेल करने का, लेकिन फिर भी मैं पुट भी बाई कर लूँगा, मैं कुछ हेजिंग करने वाला हूँ यहाँ का, वेट कर रहा हूँ। तो ये एक मूवमेंट है दोस्तों, यहाँ से जबरदस्त विजिबिलिटी दिख रही है हमको कि यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, कल भी मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि और ऊपर जाके फिर से ये 0.5% और भाग सकता है। अब चलिए दोस्तों फटाफट बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने क्या किया, जैसा मैंने बोला मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, निफ्टी में तो मैं ठीक है प्रॉफिट में दिखा रहा, लॉस दिखा रहा है, मगर एक्चुअली मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है आज ऑप्शन एज ए ऑप्शन सेलर दोस्तों, ये बोलते हैं ये आज ऑप्शन बायर का मार्केट था दोस्तों, सेलर का नहीं था। अब मुझे लॉस कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, ये दोस्तों मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया कल आज का। तो क्या हुआ दोस्तों, मैंने सबसे पहले देखा कि यार कल इतना भाग गया, फिर मैंने वही घटिया स्ट्रेटजी लगाई दोस्तों, और कितना ही भागेगा वाली स्ट्रेटजी, मैंने सोचा कि यार कल ऑलरेडी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं 2% के आसपास भाग चुका है और कितना ही भागेगा। तो मैंने क्या किया भाई, मार्केट खुला, मैं सेलिंग के लिए बिल्कुल रेडी, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मेरे पास अच्छा खासा बड़ा बैलेंस है, तो मैं बाइंग नहीं करता हूँ, मैं सेलिंग ही करता हूँ। तो भाई क्या हुआ, सबसे पहले
मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, स्टोरी बताने में थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि एक क्या थॉट प्रोसेस होती है दोस्तों हम लोगों की, ठीक है। तो हमारी थॉट प्रोसेस क्या होती है, मैंने वही स्ट्रीट लगाई दोस्तों, और कितना ही भागेगा। तो मैंने क्या किया, इसके टॉप को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और अब मेरी सिंपल स्ट्रीट थी मार्केट खुलते समय, प्री ओपन मुझे लग गया था कि फ्लैट को ओपनिंग हो रही है। और मैंने सोचा कि अगर पहली कैंडल रेड बनती है, ठीक है, पहली कैंडल रेड बनती है तो मैं कल के टॉप पे कॉल को सेल करने वाला हूँ। ये दोस्तों मैं सोच कर बैठा था। तो क्या हुई, पहली कैंडल बनी, जी हाँ बिल्कुल बनी रेड। मैंने उठा के दोस्तों कल का जो प्रीवियस डे का हाई था उसमें कॉल सेल कर लिया, या फिर जो बायर से उनको बोल बायर है उनको बोल सकते पुट बाई कर लिया होगा उनने, ठीक है। अब भाई मैंने किया, तो अब दोस्तों क्या होता है, जो सेलर होते हैं ना, कॉल जो सेलर्स होते हैं उनको क्या होना होता, पूरे दिन वेट करना होता है एक्सपायरी के दिन, पूरे दिन। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके होता है, वो ज़ीरो हो जाती है प्रीमियम, तो उनको वेट करना होता। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो वेट करेंगे। मैंने जैसे पहली कैंडल बनी मैंने उठाकर 52,700 की 50 की स्ट्राइक प्राइस का, 52,800 लिया था मैंने, मुझे याद है, ठीक है, 52,800 का मैंने एक स्ट्राइक प्राइस का वो ले लिया, कॉल सेल कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ तक दोस्तों आधा परसेंट से नीचे मूवमेंट दिखाया, मैंने और क्वांटिटी बढ़ा ली यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों जब आधा परसेंट नीचे गया तो मुझे बिल्कुल लग गया कि अब तो यार आधा परसेंट, कल भी इतना भागा है, अब तो डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है यार, 10:30 बज रहा है, ठीक है, 10 बजा कितना वॉलिटी खत्म हो गई, अब तो डाउन ट्रेंड पकड़ लिया, अब निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी अब तो ठीक है अपने साइडवेज में जाएगी या नीचे जाएगी। तो भाई मैंने कहा ठीक है, मैंने एक और लॉट यहाँ पर 300 पे एड किया था, कहाँ गया, 800 पे यहाँ पे पहला लॉट जो लिया था, उसके बाद मैंने एक और 100 पॉइंट ऊपर एक और लॉट उसमें ऐड किया। अब ठीक है, एक लॉट तो नहीं दोस्तों, मैं एक लॉट से तो नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी लॉट से करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ क्वांटिटी और बढ़ा ली। अब मैंने कहा ठीक है भाई चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे गया दोस्तों यहाँ पर मेरा OTM ITM बन गया, स्ट्राइक प्राइस हिट हो गया, मेरे को दोस्तों बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हुआ क्योंकि इतना टाइम डिके हो चुका था सेकेंड हाफ के आसपास, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, जब एग्जिट किया तो दोस्तों कई बार उसने मुझे बार बार बुलाया मार्केट ने, और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत अच्छी बात हुई, एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को इधर, जब यहाँ पर क्लोज हुआ ना 25 पे, मुझे लगा यार मैंने गलती कर दी, मुझे एग्जिट नहीं करना था, लॉस बुक नहीं करना था। लेकिन दोस्तों कभी कभी लगता है ना भाई, अपनी स्ट्रेटजी अगर ITM बन गया एग्जिट कर लो, मैंने एग्जिट किया, उसके बाद ये देखो क्लोजिंग OTM पर ही ITM पर ही हुई है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है दोस्तों अभी चीज़ें। चलिए अब हम लोग फटाफट हमारे जो स्किनर थे उस पर आ जाते हैं। मैंने स्किनर रन किया, मुझे निकाले 4 स्टॉक, अभी दोस्तों 10 अराउंड 10 o'clock हो रहा है, 4 स्टॉक निकाल के दिए कल के लिए। तो दोस्तों 4 स्टॉक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी लिस्ट में बना के रखे हैं टुमारो। पहला टाटा मोटर्स, मैंने क्या किया, कल का हाई और आज का हाई मार्क किया, कल का लो और आज का लो मार्क किया है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक होती है, क्रॉसिंग अप करता है तो मेरा बाई साइड एक्टिवेट होगा इंट्राडे के लिए। ये मैंने अलर्ट लगा दिया दोस्तों, यहाँ पर अलर्ट आ चुका है। तो अलर्ट दोस्तों आप लोगों को आ जाते हैं, जैसे कि कल मैंने स्टॉक दिए थे, कुछ स्टॉक दिए थे मैंने आज के लिए, तो एग्जांपल टाइटन दोस्तों, ये देखो टेलीग्राम पे अलर्ट ट्रेंड लाइन अलर्ट आ जाते हैं, ठीक है। जब भी ये ब्रेकडाउन दिया तो ये देखो ये अलर्ट सिंबल आ गया, ट्रिगर हो गया, जैसे ब्रेकडाउन दिया और ये आपको अलर्ट भी आ गया, कितनी बज के 9:15 के आसपास, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों यहाँ पर ब्रेक दिया नीचे की तरफ गया, इसी तरह से मैंने यहाँ पर कल के लिए भी लगा दिया है, कौन सा, टाटा मोटर्स, यहाँ पर मैंने अलर्ट लगा दिए, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा क्रॉसिंग डाउन, ये भी अलर्ट लग गया दोस्तों, दोनों अलर्ट लग गए आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अब मार्केट ओपन होना चाहिए इस लाइन के अंदर, ऊपर खुलेगा तो अलर्ट, नीचे खुलेगा 1% का टारगेट आराम से लेके चलेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस, सिमेट्रिकल ट्रेंगल बन रहा है ब्यूटीफुल सा, यहाँ पर भी मैं दोस्तों, अब दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रेंगल एक प्रॉब्लम है दोस्तों, बता देता हूँ क्लियरली, ये क्या होना है, हमारी जो स्ट्रेटजी होती है ना उसके अकॉर्डिंग मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस। अब दोस्तों होता क्या है ना, ये ऊपर खुल जाता है नीचे खुल जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा कुछ अंदर खुलेगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर अंदर खुला बाई चांस तो मैं अलर्ट लगा ही देता हूँ, चलो
मगर बहुत मुश्किल है उस अंदर खुले, फिर भी अब सिलेक्ट किया है तो लगा ही देता हूँ। क्योंकि सिलेक्ट क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये वाला स्टॉक मैंने यहाँ पर आया था अडानी इंटरप्राइज में, मेरे स्किनर पे जो स्नीपर अटैक है। नीचे भी लगा देते हैं, कल मॉनिटर कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसका भी अलर्ट आ गया, लेकिन अगर बाहर नीचे ऊपर खुल रहा है दोस्तों तो नो ट्रेडिंग, अगर अंदर खुल गया लकीली तो फिर हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। SBI ये भी दोस्तों देख रहा है, जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, यहीं से निकाला है मैंने ये वाला 0%। दोस्तों इस तरह के स्टॉक छोड़ना नहीं है, क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि 0% मूवमेंट आया है, कोई मूवमेंट नहीं आया है उसमें, जहां खुला वहीं बंद हुआ है, डोजी बना होगा दोस्तों इसमें, देख लेते हैं डे में करेंगे तो ये देखिए डोजी बना, ये दिख रहा है डोजी, डे के कैंडल में डोजी बना है इसमें, यानी कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज कॉल्ड डोजी। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर। अब फिर ये बहुत स्मूथ है दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट पिक भी होने वाली है। प्रॉब्लम बताऊँ क्या है दोस्तों, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, हमेशा हाई वॉल्यूम को प्रायोरिटी देना है, लेकिन तब भी मैं SBI कार्ड को, मैं पता नहीं, मुझे अच्छा लगा इसका कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा लगा, जो कि अपने 0.8% टारगेट आराम से देने की कैपेबिलिटी रखता है। क्रॉसिंग अप लगा दिया मैंने, क्रॉसिंग डाउन, तो दोस्तों ये टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों टेलीग्राम सर्विस, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ये अलर्ट लग गए। थर्ड स्टॉक MGL गैस लिमिटेड है, कौन सा, महाराष्ट्र गैस लिमिटेड, ठीक है भाई, गैस सेक्टर का स्टॉक है, इसको भी हम लोग देख लेते कितना, सॉरी ओके, यहाँ पर ही मैं अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग डाउन और क्रॉसिंग अप। चलिए लास्ट बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर दोस्तों बिल्कुल एकदम जबरदस्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये दोस्तों मैंने ऑलरेडी कल भी दिया था, लास्ट टाइम भी दिया था, मगर एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी अलर्ट कल का ही लगा पड़ा है। लेवल थोड़े चेंज हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कल हमारा लेवल ये था 1600, अभी थोड़े लेवल ज़्यादा नहीं होंगे, सेल बिलो 17, परफेक्ट, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते स्विंग ट्रेड के बारे में, ठीक है, स्विंग ट्रेड जो था हमारा सुजलॉन में, स्विंग ट्रेड में जाने से पहले दोस्तों आपको डेली कैंडल में लेके चलूँगा, अब सुजलॉन पे क्लिक करूँगा मैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, सुजलॉन का भी दोस्तों हम लोगों को अलर्ट आया, ये दिख रहा होगा आपको, अलर्ट ट्रिगर हो चुका है, ठीक है, जब ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों इसने यहाँ पर हमको 7% का मूवमेंट आराम से निकाल कर दिया था। अभी भी दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि क्या करें, होल्ड करें या प्रॉफिट बुकिंग करें या क्या करें, दोस्तों होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक, इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा के, अभी कितना दूर है दोस्तों, 3-4% और है, जिन्होंने यहाँ पे कल अगर प्रॉफिट बुक किया था तो ठीक है किया था, लेकिन अब यहाँ पर जिन्हें नहीं कर पाए वो लोग होल्ड कर सकते हैं। दूसरा UT लाइन दोस्तों, यहाँ पर ये एक्टिवेट हुआ, इधर कब एक्टिवेट हुआ, 21 जून को एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों इसने यहाँ पर 8% का ऑलरेडी दे चुका है, अभी भी 8% नहीं, ज़्यादा हुआ है, 15% दे चुका है, अभी भी दोस्तों टाइटली होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपर सर्किट लगा बैठा है इसमें, होल्ड कर सकते। KSB दोस्तों जैसा मैंने बताया कि दो बार एक्टिवेट होने की कोशिश की है, मैं इसको सॉरी वीकली चार्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, वीकली में भी दोस्तों ये दो बार एक्टिव होने की कोशिश की है इसने, एक बार और मैं डेली दिखा देता हूँ आपको, अभी भी दोस्तों इसमें बिल्कुल 5 मिनट के मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, क्लियरिटी ये आएगी कि भाई अभी भी इसमें जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो इसमें एंट्री बचती है, एंट्री अभी जिंदा है, ये देख रहे हो जो अलर्ट सिस्टम में लगा के रखा है, स्टिल नॉट ट्रिगर्ड, जब ये ट्रिगर होगा ऊपर जाने के बाद इसमें एंट्री बनती है। अब बात कर लेते लॉन्ग टर्म के स्टॉक की दोस्तों, ये दिया था मैंने, इसमें मैंने खुद एंट्री ली, कल मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा अपना, इसको मैं डेली पे कन्वर्ट करूंगा, मैंने कब एंट्री ली थी दोस्तों इसमें पता है आपको, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा मैंने कब एंट्री ली थी, मैंने बताया भी था दोस्तों मैंने इस मोमेंट पर एंट्री ली, IPO आया, IPO जब खुला पहले दिन रेड कैंडल बनी हो, जब भी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सेवंथ डे उसने ब्रेकआउट दिया, मैं एंट्री ले ली, और एंट्री लेने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा 25%, मैं दोस्तों यहाँ पे होल्ड रखूँगा, 100% टारगेट पे होल्ड रखूँगा। इसी तरह दोस्तों एक और स्टॉक है जो कि अभी अपने फर्स्ट डे के हाई का ब्रेकआउट करने वाला है, तो जब भी वो करेगा तो हम लोगों को यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। और क्या है भाई, और किस में है, ये देखो दोस्तों, ये डेमो के लिए मैंने रखा था आप लोगों को बताने के लिए कि स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है, तो ये देखो जब भी उसने ब्रेकआउट दिया 27% के आसपास, जब अपने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया
ये आईपीओ आया, ठीक है, आईपीओ आया, नीचे गिरा, और जैसे ही उसने अपने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया, जोरदार उसने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया, और 12-13% के आसपास, नॉट ओनली 25% बना था, मुझे खुद याद है इसमें। परसेंट का मूवमेंट निकाल कर दिया। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए है तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।